कैरेक्टर दुनिया में कई सारे ऊपर वाले ने छोड़ दिए हैं जिनको देखकर हमें हंसी आती है और हम उन चीज़ों को आप तक लाते हैं। कई सारे कैरेक्टर होते हैं, कई सारे। अब मैं बताता हूँ कुछ कैरेक्टर के बारे में। एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है आनंद कुमार। कितना अच्छा नाम है ना, आनंद कुमार। आप सोचेंगे आनंद कुमार मतलब कितना हंसता खेलता आदमी होगा। अब आनंद कुमार को देखो। मैं कहा सर नमस्कार। मैं कहा सर आपका नाम आनंद कुमार। अलग अलग जगह पे लोग मुझे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ के लोग मुझे आनंद कुमार के नाम से जानते हैं, गुजरात में मुझे हसमुख भाई के नाम से जानते हैं, और अब्रॉड में चला जाऊँ विदेश में तो लोग मुझे वहाँ पर मिस्टर हैप्पी भी कहते हैं। तो आपके चेहरे से तो हाँ मतलब चेहरे पे आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुश हैं आप? खुश हैं आप? ये खुशी है? हाँ बहुत खुश हूँ। इनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी टेंशन ना हो तो इनसे मिलो, आपकी ज़िंदगी में टेंशन शुरू हो जाएंगे। एक बार मैं इनसे मिलना चला गया, इनके घर पे बैठा था, मुझसे कहने लगे चाय वाय पीते हो? मैंने कहा पीता हूँ। ये सवाल है, चाय वाय पीते हो, क्यों पीते हो? मैं कहा चाय सभी लोग पीते हैं। मैं तो नहीं पीता। बोला क्यों? चाय इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इसलिए मैं चाय नहीं पीता। लेकिन तुम अगर चाय पीते हो तो तुम्हें एक सवाल कर रहा हूँ मैं, चाय से मुतालिक है। ये बताओ आसाम की कौन सी टी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है? मैंने कहा चाय के बारे में आसाम तो बड़ा मशहूर है, लेकिन कौन सी टी मशहूर होगी? हार गए। मैंने कहा गुवाहाटी। आसाम की सबसे प्यारी टी गुवाहाटी। मैंने कहा सर अच्छी बात है, गुवाहाटी बड़ी मशहूर है। वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एक फिल्म बना रहा हूँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर बाय मी। अच्छा अच्छा तो मुझे तुमको उसमें एक कैरेक्टर दे रहा हूँ। असल में ये फिल्म दो भाषाएं बन रही है, एक साउथ में एक हिंदी में। हिंदी का कैरेक्टर मैं किसी और को दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कलर के हिसाब से तुम साउथ की फिल्म में फिट हो। तो सर फिल्म का नाम क्या होगा? बदला लूंगी। अच्छा मतलब एक्शन ड्रामा होगा, हीरोइन बदला लेगी? नहीं कॉस्ट्यूम ड्रामा है। फिल्म का हीरो मैं हूँ, हर सीन में 5 बार लुंगी बदलता हूँ। उसकी सीक्वल बना रहा हूँ। अच्छा उसमें तुझे बड़ा रोल दूंगा। फिल्म का नाम क्या होगा? बदला टावेल। अच्छा ये भी कॉस्ट्यूम ड्रामा? नहीं ये एक्शन ड्रामा होगा। जहाँ जहाँ लोग हीरो की बात नहीं सुनेंगे वहाँ पे हीरो टावेल बदल देगा, कहेगा जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे टावेल नहीं पहनूंगा। फिल्म कैसी होगी? टू वेल। एक हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं लल्लू भाई, हमेशा घुटकुट के खा के रहते हैं। सुनील भाई कसम खुटा की यार, आपको ढूंढ रहा था, कसम खुटा की यार, कहाँ हो यार? अच्छा सुनील भाई बताओ 25 तारीख को एक प्रोग्राम के लिए फ्री हो? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। याद रखो भाई 25 तारीख को एक प्रोग्राम के लिए फ्री हो ना? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। प्रोग्राम किया, मैंने कहा पेमेंट तो दीजिए। भाई आपसे तो मैंने खुला कहा था भाई 25 तारीख को एक प्रोग्राम के लिए फ्री हो। एक बार फिर इनका भूले बैठ के फोन आ गया। भाई सुनील भाई पिछली बार की तरह नहीं होगा भाई, इस बार कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ दे आपको। मैं बोला देखो भाई इतने मेहनत से कलाकार आपके पास में आता है, आप और नजर हो, कलाकार को कम से कम 4 पैसे तो मिलने ही चाहिए। कसम खुटा के मेरी मुंह की बात छिन ली भाई। लेकिन आपके मुंह में तो गुटखा है, वही एक ही बात है। मेरी मुंह की बात छिन ली भाई, कसम खुटा की आपको 4 पैसे मिल जाएंगे भाई। आइए ना भाई, आइए भाई। मैं प्रोग्राम में गया, मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा खुश था कि यार आज तो ये पेमेंट देगा। मैं गया भाई कैसा लगा? खुदा कसम भाई आपने महफिल लूट ली भाई, खुदा कसम, माँ कसम मेरी जान, अल्लाह आपको और बरकत दे भाई, कमाल कर दिया भाई आपने, खुदा कसम भाई। मैंने कहा वो तो ठीक है। फोन पे तुम्हारी बात हुई थी? हाँ भाई याद है ना भाई, खुदा कसम ऐसे काफिर भी काफिर नहीं है भाई, खुदा कसम जबान का अपनी जबान का वैल्यू नहीं तो क्या भाई, मतलब मुर्दों में। रफीक यहाँ
वो 5 पैसे रखे तेरे पास? हाँ ला 5 पैसे दे भाई, तहे दिल से दे रहा हूँ भाई, बरकत होगी, आपने जो बोला वही दे रहा हूँ भाई। मैंने कहा ये क्या दे रहा हूँ? पेमेंट भाई, आपने कहा था ना फोन पे 4 पैसे मिलेंगे क्या भाई, अपना दिल बड़ा, 5 दे रहा हूँ भाई। अच्छा ये गुटखा उटका इतना खाते हैं भाई? एक बार एक आदमी से मेरी बहस हो गई भाई, क्या हुआ? उसने बोला भाई गुटखा जो खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, जबान खराब हो जाती है भाई। भाई भाई आप है ना सामने, आप सामने रहो भाई, मेरा स्टाइल ही भाई बात करने का, ठीक है? उसने मेरे को बहुत समझाया भाई, गुटखा खाने से बीमारी होती है, करती है, तो गुटखा खाने की आदत छोड़ दो, गुटखा मत खाया करो। मैंने कहा भाईजान आप इतना समझा रहे हो, खुदा कसम आपका नाम क्या है भाई? तो अगले ने बोला मेरा नाम है मानिक चंद। मैंने कहा भाई मैं अपनी आदत बदल दूंगा, तू अपना नाम बदल लिया, खुदा कसम यार, वो दिन आज का दिन दिखा नहीं। भाई आप है ना? हाँ, खुल के निकल गया सामने वाला। कई तरह के कैरेक्टर होते हैं, कई तरह की बातें होती है। अब देखिए गाने, गाने जो है बहुत प्यारे प्यारे बने हैं, कुछ गाने ऐसे बने हैं जो हमें समझ में आते हैं, कुछ गाने बिल्कुल समझ में नहीं आते। एक लड़के ने मुझे कहा यार मुझे एक लड़की को आई लव यू कहना है किसी गाने के जरिए, कैसे कहूँ? मैंने कहा काम कर, पंकज उदास की गज़ल है ना, सुना दो, सुन और उसको वैसे ही कॉपी करना। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा ही बोलूंगा। लड़की के सामने जाके घबरा गया, उल्टा बोलने लगा, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तू ही कंगाल है गोरी, बाकी सब धनवान। इतना मारा उसको लड़की ने, बेचारा दोबारा वापस ही नहीं आया मेरे पास, उदास हो गया जिंदगी भर के लिए। बाद में पता चला उसका नाम पंकज था। कुछ रहता है। एक हमारे दोस्त हैं रियाज इंडियन। अब रियाज इंडियन के बारे में क्या कहूँ, फिल्मों में फिल्म वालों के साथ में रह रहे के एकदम फिल्मी हो गया बंदा। स्टाइल मामूली, आप हावर ही पूछो कैसे हो, फाइन फाइन। मतलब इतना मुंह मत हिलाया कर, को तुझे फाइन मार देगा। मतलब इतना सर घुमा रहा है, तुझे कोई सरफिरा बोल देगा। भाई अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, भाई अच्छे अच्छे को पानी पिलाया। मैंने कहा भाई तेरी बॉडी देख के लगता नहीं कि तूने अच्छे अच्छे को पानी पिलाया। नहीं नहीं, ऑफिस बॉय था ना, तो ऑफिस में जो भी लोग आते सबको पानी पिला चुका हूँ भाई, सबको पानी पिलाया भाई। अच्छा वेरी गुड यार, तो जरा सफर के बारे में बता। राजकुमार को जानते हो भाई? राजकुमार एक्टर? हाँ एक्टर, मेरे ऑफिस में आए भाई। अच्छा तो मुझसे कहने लगे, उनकी मिमिक्री करके सुनाता हूँ, अरे आज मुझे पानी पिलाओ। ये तो आपकी आवाज़ है, ये राजकुमार की आवाज़ कैसे हो गई? पहले उसकी आवाज़ ऐसी ही थी, फिर मैंने पानी में पता नहीं क्या मिला के पिला दिया उनको, उनका गला बैठ गया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रियाज तुमने क्या पिला दिया है, हमारा गला बैठ गया है, गला फट गया है, गले के चिथड़े हो गए। मैंने कहा डोंट वरी राजकुमार साहब, यही आवाज आपकी पहचान बनेगी। आज देखो तुम राजकुमार की नकल करो, जानी हमने पिलाया था पानी। इन 19 समथिंग मिथुन भी आया था ऑफिस में, मिथुन दा दा तेरे लिए होगा, मेरे लिए मिथुन। आते ही स्टाइल में बोला, रियाज भाई ये 100 रुपये रखो इनाम। मैंने कहा मिथुन भाई ये 100 रुपये मैं आपके रख नहीं सकता। उसने बोला क्यों? मैंने कहा भाई मेरे को मिथुन राशि पसंद नहीं है, अपन कुंभ राशि के लोग हैं। उसके बाद मिथुन ने मुझे बोला कि पानी पिलाओ, उनकी आवाज़ करके दिखाता हूँ, पानी पिलाओ रियाज मुझे पानी पिलाओ। ये मिथुन की आवाज़ है, ये तो फिर आप अपनी आवाज़ निकाल रहे हो। पहले उसकी आवाज़ ऐसी ही थी, फिर मैंने उन्हें पानी पिलाया,
पानी में पता नहीं क्या मिला दिया। दिन भर तो बोल ही नहीं पाए, दूसरे दिन थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया, आज तक उतना ही बोल रहे हैं। एरियस क्या पिला दिया रे? मतलब कोई बात नहीं, जो भी पिला दिया इसी से स्टाइल बनेगी। अभी मिथुन की आवाज निकल के दिखाओ, मां कसम मेरे पानी की वजह से। शाहरुख आ गया था एक बार, शाहरुख को भी आपने पानी पिलाया। मैंने बोला ना, अच्छे अच्छों को पानी पिलाया, तरक्की होगी। शाहरुख आ गया, मुझे कहने लगा, रियाज भाई मुझे पानी पिलाओ। उसकी नकल कर रहा हूँ, रियाज भाई मुझे पानी पिलाओ, रियाज भाई। मैंने कहा ये तो फिर भी आप अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, पहले उसकी आवाज़ ऐसी ही थी। उसने बोला मुझे चिल्ड वाटर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सेम टू सेम उसकी आवाज़ निकाल रहा हूँ, उस वक्त ऐसी आवाज़ थी। चिल्ड वाटर दिया, ऐसा बर्फ मिलाया, आज तक उसके पेट में वो बर्फ जो है जमा हुआ है, हजम नहीं हो पाया। उसको ठंड लगती है तो उसकी नकल करके दिखाओ, ए हाँ ये जो ठंड लगती है ना, ये मेरे बर्फ की वजह से लगती है, एकदम कांपता है हर चीज में। मैंने देखा उसके हाथ में पानी का गिलास था। मैंने कहा चमत्कारी आदमी यार, उसके हाथ से छीन लिया मैंने गिलास। मैंने कहा रियाज भाई आपके पानी से कमाल होता, मैं पी रहा हूँ, कुछ ना कुछ तरक्की होगी। ये क्या कर दिया, आज बॉबी डार्लिंग आने वाला था यहाँ पर। उसका मानना था कि रियाज भाई आप चमत्कार करते हो, ऐसा पानी पिलाओ कि मैं औरत बन जाऊँ। वो पानी आपने पी लिया। दोस्तों नौकर का मतलब होता है नोकर, मतलब काम नहीं करने वाला। हम उसे काम करने के लिए रखते हैं, जबकि कुला कहता है साहब मैं नौकर हूँ, फिर भी बोलते हैं अच्छा काम करना कल से, उसको काम पे रख देते हैं। अब आप देखिए, मेरा एक बहुत पुरानी पहचान का कोई नौकर था, उसका नाम था 3D मतलब 3D, दीपक देवानंद दुबे। अभी इन दिनों मेरे पास में काम पे आ गया। मैंने उसको बोला भाई जाए एक काम कर, आरक्षण का टिकट ला, वो 5 दिन बाद आया। मैंने कहा यार तुझे मैंने कहा था कि आरक्षण का टिकट लाना, हाँ तो फिर गए आसानी से आरक्षण मिल गया तो गांव जाके आ गए रिजर्वेशन करके। मैंने कहा आरक्षण फिल्म का, तो ऐसा फिल्म कौन तुम्हारा बाप बोलेगा। अभी इन दिनों मैंने उनको कहा एक काम कर बेटा, ये 200 रुपये रख, मल्टीप्लेक्स का फर्स्ट क्लास सिंगम का टिकट ले गया, सिंगम का टिकट ला। थोड़ी देर बाद आया, साहब सिंगम का टिकट तो नहीं मिला, हम चिंगम का टिकट ले आए हैं। चिंगम ये कौन सी फिल्म है? बबलगम को क्या कहते हैं हिंदी में? चिंगम। हाँ भाई उसका टिकट लाया है। एक तो हाईलाइट हुई कि ये सिंगम पिक्चर देख के भी आ गया। देख के आया तो दिन भर मुझसे मुँह छुपा रहा, देखा शाम को पूरा टकला। मैंने कहा क्या हुआ? तो रोते रोते कहने लगा, फर्स्ट डे और फर्स्ट शो हम देखने गए थे सिंगम, किसी कुत्ते ने कमीने ने बालों में लगा दिया चिंगम। हम जिंदगी भर मुंडन नहीं कर पाए, लेकिन गुंडन ने हमको मुंडन करने पर मजबूर कर दिया। अब ऐसा नौकर है हमारा। एक दिन मैंने इससे कहा भाई एक काम कर, अपने घर में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, मेहमान आने वाले, अच्छा खासा लगना चाहिए तू, एकदम नौकर भी लगना चाहिए, कुछ अच्छा लगना चाहिए, स्त्री के कपड़े पहनना, ठीक है, स्त्री के कपड़े पहनना। दूसरे दिन सलवार कुर्ता पहन के आ गया। एक दिन तो संतरा लेके आया, खरीद के लाया मेरे लिए, साहब संतरा लाए हैं आप, जब भी खाना बता देना। मैंने कहा देख एक काम कर, मुझे छिलके दे, मुझे छिलके दे। वो 2 घंटे बाद सारे छिलके ले आया। खाइए साहब, कभी कभी हम पे शक होता है हमको कि आप इंसान या जानवर, खा लीजिए। ये छिलके क्यों लाया? आप ही तो बोले छिलके लाना। संतरा हम खा गए। मैंने एक दिन उसे कहा कि कुछ हमारे गेस्ट आने वाले, मेहमान आने वाले हैं, तो एक काम करना, मेहमानों को अच्छा लगना चाहिए, बाथरूम एकदम साफ करना, चकाचक कर देना बाथरूम। मेहमान आए, बोले उफ माय गॉड ये कितना गंदा बाथरूम है। मैंने कहा इतना दीपक तुझे कहा था मैंने बाथरूम साफ करना। हाँ तो पूरा हॉल तो साफ किया है, जहाँ पर आप बैठते हैं बातचीत करते हैं, हॉल साफ कर दियो। मैंने कहा हॉल को क्यों, मैंने तो तुझे बाथरूम कहा था, यही तो रूम है जिसमें बैठ कर लोगों से आप बात करते हैं, तो बाथरूम तो यही हुआ ना। मैंने कहा वाह ये बाथरूम हो गया, इसे तो बाथरूम कहता है। एक दिन तो बीमार पड़ गया, मैंने कहा तू बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास जा। साहब कल जाएंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। और शाम तक हंसने लगा, हंस रहा है शाम तक, बहुत हंस रहा है। मैं कहा हंस क्यों रहे हो? आप ही तो बोले एक शो में लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो हो सकता है इसी से हमारा इलाज हो जाए।